ये जो जदीद तालीम याफ्ता, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जदीद तालीम याफ्ता वो इस्लामी अहकामात में शुकूक व शुबहात में मुब्तला है। कभी वो औरतों के हुकूक को लेकर के शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि मजहब इस्लाम ने जितने हक औरत को देना चाहिए उतने हक नहीं दिए, बराबर एक हक औरत को मजहब इस्लाम ने नहीं दिया। अल्लाह की कसम, जितनी इज्जत और जितना हक मजहब इस्लाम ने औरत को दिया है ना, दुनिया के अंदर इस्लाम के मुकम्मल होने से पहले इस औरत की कोई हैसियत कोई औकात नहीं थी। लोग अपनी पैर की जूती की तरह इस औरत को समझा करते थे, औरत की पैदाइश को इंसान अपने लिए शर्म और आर समझा करता था। जिस किसी के घर बच्ची पैदा हो जाती थी, सारे माशरे में, सारे समाज में, सारे रिश्तेदारों में हल्की नजर से देखा जाता था। लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे शर्म और हया के मारे। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता तो वो औरत जिंदा नहीं रहती थी, उसको भी शोहर की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। ये इस्लाम की खूबियों की वजह से ये औरत आज इतनी हवा में चल रही है और उड़ रही है। लेकिन इस्लाम ने औरत की कुछ हुदूद बनाई हैं, मर्द की कुछ हुदूद बनाई हैं, हर जगह की कुछ हुदूद हैं। भैया तुम दुनिया में रहते हो, दुनिया के निजाम के तहत समझो, आने वाली ट्रेन की लाइन कुछ और है, जाने वाली ट्रेन की लाइन कुछ और है। अगर आने वाली और जाने वाली ट्रेन की लाइन एक ही बना दी जाए तो बताओ क्या होगा? आने वाली फ्लाइटों की लाइन कुछ और है, जाने वाली फ्लाइटों की लाइन कुछ और है। अगर एक ही लाइन बना दी जाए तो बताएं क्या होगा? तो ऐसे ही मर्द की जिंदगी गुजारने के अहकाम कुछ और हैं, औरत की जिंदगी गुजारने के अहकाम कुछ और हैं। जिसने इनको बनाया है उसी ने अहकाम दिए हैं, उन अहकाम को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आपकी अकल का फतूर है। ये इस्लाम का और मजहब का नुक्स और कमी नहीं है। बाज़ लोग औरत को शरीयत ने जो मीरास में बाज़ मकाम पर आधा हिस्सा दिया है बाप की प्रॉपर्टी में से, उसको लेकर के इतराज़ है। भैया बेटा और बेटी जब बराबर हैं तो बेटी को आधा क्यों, बेटे को पूरा क्यों, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। हालांकि शरीयत की क्या मंशा है, क्या शरीयत के अहकाम हैं, आपने सिर्फ आधा और पूरा देख करके फैसला ले लिया, आप उसकी डीप में तो जाएं कि शरीयत ने ये हुक्म क्यों दिया है, उसको तलाशने की कोशिश तो करें। बाज लोग शरीयत ने औरत को जो मीरास में हिस्सा दिया है उस हिस्से से ही एतराज कर रहे हैं कि औरत के जिम्मे जब कोई खाना कमाना नहीं है, कोई खर्च नहीं है, तो फिर औरत को मीरास में हिस्सा देने की जरूरत क्या है? बाज लोग सहाबा पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लोग उलमा पर कीचड़ उछाल रहे हैं, बाज लोग नबियों की रिसालत के मुनकिर हैं। नई नई चीजें फिक्री इर्तिदाद की, जहनी इर्तिदाद की इस दुनिया के अंदर आ रही हैं, वजूद में आ रही हैं, जो हमारी समझ से क्या है, बालातर है। कौन फिक्र करेगा, कैसे इस उम्मत को समझाया जाएगा, कैसे इस उम्मत की फिक्र की जाएगी? भई फितनों के इस दौर में ईमान को बचाना सबसे बड़ा काम और सबसे मुश्किल काम होता जा रहा है। इंसान धीरे धीरे इस्लाम से खारिज हो रहा है। आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़ें आती रहती हैं कि फला शहर में फला जगह पर इतने लोगों ने सनातन धर्म मान लिया और सनातन धर्म में कन्वर्ट हो गए, इस्लाम मजहब को छोड़ दिया। और घिसे पिटे इतराजात, जहाँ कहीं लड़के और लड़कियाँ इश्क का शिकार होकर के अगर मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ जाती है तो उसको पता नहीं है, वो सिर्फ यही एतराजात लोगों में बताएगी कि मैं इस्लाम में तीन तलाक और हलाले को लेकर के परेशान हूँ, इसलिए मैंने इस्लाम मजहब को छोड़ दिया। अच्छा भैया, तो हलाला और तीन तलाक को लेकर के परेशान है, किसी मौलवी साहब से पूछ लेती, किसी आलिम दीन से पूछ लेती, किसी मुफ्ती साहब से पूछ लेती, उसकी डीप में जाती तो सिर्फ मजहब इस्लाम को बयान करने के लिए यही चीजें रह गई हैं। हलाला तीन तलाक, हलाला तीन तलाक, इसको समझा भी है कि ये लॉजिक है क्या, क्या चीज है हलाला और क्या चीज है तीन तलाक? इस्लाम के अहकामात को लेकर के उन अहकामात में कीड़े निकाल के, उनमें एतराजात पैदा करके, उनके खामियां, उनमें खामियां और कमियां निकाल करके इंसान इस्लाम से खारिज हो रहा है, इस्लाम से मुर्तद हो रहा है। अरे भैया तुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही, किसी दूसरे इंसान से समझ ले। हर इंसान बात नहीं समझ सकता, बाज मरतबा हमें कोई बात बड़ी आसान लग रही होती है लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही होती, हम किसी और से उस बात का जिक्र करते हैं, मसले का हल हो जाता है, नहीं समझ में आती है बात। मैं आपको बताऊं, मेरी छोटी बच्ची अभी जब स्कूल में जा रही है तो जी फॉर ग्रेप्स, जी होता है ना एबीसीडी का, जी बनाना नहीं आ रहा उसको, बहुत मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत जी में लगी उसको। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार जैसे सिक्स बनाते हैं ना, ऐसे सिक्स बना के और इसे आगे घुमा के यूं करना है। कसम खुदा की सिर्फ एक बार मैंने उसको बताया और उसने जी बनाना शुरू कर दिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बाज मरतबा इंसान को बात समझ में नहीं आ रही होती कि मुझे काम कैसे करना है, लेकिन कोई दूसरा अगर उसको गाइड कर दे तो वो बात उसके समझ में आ जाती है।